ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जाति ना पूछो साधु की, पूछ ली जाए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यह कहावत संत कबीरदास ने कही थी। इस कहावत को अकोला में चरितार्थ कर रहा है कच्ची मेमन जमात। अकोला में अभी तक 400 से अधिक सभी धर्म और समाज के संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार निस्वार्थ और निःशुल्क रूप से करने का काम पिछले 6 महीनों में किया जा रहा है, जो बदस्तूर जारी है। यह देश में एक मिसाल है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ ली जाए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यह कहावत संत कबीर दास ने कही थी। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है कच्ची मेमन जमात। अकोला शहर से जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण काल में रोजाना मौतें हो रही है। ऐसे समय बिना किसी जाति भेदभाव के धर्म के अनुसार निस्वार्थ भाव से सेवा का काम करने का कार्य अकोला में किया जा रहा है। अकोला के कच्ची मेमन जमात ने बैतपुरा यूथ विंग, कुरैशी बिरादरी, जन सत्याग्रह, अमन सोसाइटी के सहयोग से कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों की उपचार के दौरान मौत होने के बाद निस्वार्थ भाव से धर्म के अनुसार विधिवत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अभी तक 400 से अधिक मृतकों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार विधि विधान के साथ किया जा चुका है। उपचार के दौरान मरने वाला शख्स मुस्लिम हो या हिंदू या किसी भी धर्म का हो, उसके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि अंतिम संस्कार को करने वाले सभी मुस्लिम भाई है, जिसमें जावेद जकारिया, तनवीर खान, जावेद खान, सबीर कुरैशी, आसिफ अहमद खान, एजाज खान, वसीम खान, नदीम खान, समीर खान, अफसर कुरैशी का समावेश है। यह लोग बिना किसी जाति धर्म और भेदभाव को भूलकर मानवता को आत्मसात कर सभी का अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि अंतिम संस्कार के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। कच्ची मेमन जमात ने इसके लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है, जिसमें मृतक को शमशान अथवा कब्रस्तान ले जाकर रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस परोपकारी कार्य के लिए अकोला के जिलाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, जीएमसी के डीन, सिविल सर्जन के साथ ही महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी, हिंदू शमशान घाट के अध्यक्ष राम राठी, कब्रस्तान के अध्यक्ष हाजी मुदाम खान सहित अन्य लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। अकोला के हिंदू शमशान भूमि, मोहता मिल, उमरी, गुलजारपुरा, सिंधी कैंप के अलावा मुस्लिम कब्रस्तान, मासूम शाह, अकोट फाइल खदान में धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। केवल अकोला जिला ही नहीं, वाशिम, बुलढाणा और यवतमाल के मरीजों की भी उपचार के दौरान अकोला में मौत हो रही है। सरकारी आंकड़े केवल अकोला जिले के बताए जा रहे हैं। इसके बाद भी कच्ची मेमन जमात और उनके सहयोगी बिना किसी भेदभाव के मरने वालों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जिनका सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने आभार माना है। इन सभी अंतिम संस्कार के दौरान महानगर पालिका के आरोग्य अधिकारी प्रशांत राजुरकर का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज से बरसों पहले संत कबीर दास ने जो संदेश दिया है, उसे अकोला में अमल में लाने के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जा रही है। निस्वार्थ भाव से धर्मों के अनुसार अंतिम संस्कार करने का यह उदाहरण शायद भारतवर्ष में एकमात्र है। मुस्लिम भाइयों के इस कार्य को देखकर स्पष्ट हो रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण में भले ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, लेकिन कहीं तो भी मानवता को जीवित किया है। कच्ची मेमन जमात और उनके सहयोग करने वाले सभी भाइयों को आरआरसी नेटवर्क का दिल से सलाम। दिनांक 12 अप्रैल को हमने पहली कोविड पॉजिटिव मरीज की अंतिम विधि की थी। तब से आज तक तकरीबन 400 लोगों का हमने जो है वो अंतिम संस्कार किया है, चाहे वो कब्रस्तान हो या शमशान हो, जिसके अंदर पॉजिटिव और सस्पेक्टेड लोग हैं, जिसके अंदर अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाल, ये 4 जिलों के मैयतें जो है, डेथ जो है, ये हमारे यहाँ पर अकोला में, जीएमसी में और प्राइवेट हॉस्पिटलों में हुई है, जिसका अंतिम संस्कार हमारी टीम ने पूरा किया है। हमारी टीम में बैतपुरा नौजवान पार्टी, कुरैशी बिरादरी, जन सत्याग्रह पार्टी, अमन सोसाइटी, ये सभी लोगों ने मिलकर इसका पूरा काम किया है और हमने परिवार के साथ में पूरी अंतिम विधि, धार्मिक विधि के साथ में इसको अंजाम दिया है। हमको अकोला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिला है और ये काम जब तक इस परिस्थिति रहेगी, हमारी संस्था, हमारी टीम ये करते रहेगी।